दोस्तों आपका लोड नॉर्मल है, आप चाहते हैं कि मैं सोलर सिस्टम लगाऊं और कम से कम बजट में मेरा घरेलू समरसेबल, मेरी वॉशिंग मशीन, मेरी टीवी और मेरा 1000 वाट तक का जो इंडक्शन है, प्रेस है, इस तरीके का लोड कम से कम बजट में मेरा चल जाए दोस्तों, तो आप चाहते हैं मैं कौन सी टेक्नोलॉजी परचेज करूं जिससे मेरा इकोनॉमिक बजट भी ना बिगड़े और मेरा काम भी चल जाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सोलर इन्वर्टर है और ये कॉपर ट्रांसफार्मर में है और ये कम बजट में, बहुत कम बजट में आपका समरसेबल, अपनी वॉशिंग मशीन, आपका टुल्लू पंप, प्रेस और 1 किलोवाट तक का इंडक्शन चूल्हा, इस तरीका के लोड आप इससे चला सकते हैं। तो इसके बारे में कम्प्लीटली जानकारी देंगे, बिल्कुल आपको कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे सिस्टम को आपको लगाना है, ये कम्प्लीट जानकारी इस वीडियो में दोस्तों देंगे आज आपको हम। और मैं हूँ आपका दोस्त विजय यादव। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों बिल्कुल समय न गंवाते हुए, कम समय में आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो मॉडल नेम है इसका, पीशू का, ये एक सोलर इन्वर्टर है ये दोस्तों, और कॉपर ट्रांसफार्मर के साथ है। 3375 है इसका मॉडल का जो नेम है, 3375 है, और ये इंडिया की लीडिंग कंपनियों में से एक नेक्सस सोलर एनर्जी, जो भारत की लीडिंग कंपनी है सोलर के सेक्टर में, उसका बना हुआ पीशू है और ये कम बजट को देखते हुए बनाया गया है। इस पर आप लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं, 224 वोल्ट है, या लिथियम में चाहें तो लिथियम में भी इस पर बैटरी आप लगा सकते हैं दोस्तों। इसका जो ट्रांसफार्मर है वो कॉपर का दिया गया है स्पेशली। इसकी जो VOC की अगर हम बात करते हैं तो VOC इसकी 32 से लेकर 60 है, यानी भी कंपनी का कोई भी पैनल आप इस पर लगा सकते हैं 24 वोल्ट में। 24 वोल्ट में किसी भी कंपनी का कोई भी आप पैनल इस पर लगा सकते हैं। और इसकी जो आउटपुट करंट है वो लगभग 8.5 एम्पीयर का इसका आउटपुट करंट है, यानी कुछ टाइम के लिए ये 2 किलोवाट तक का लोड भी दोस्तों ले सकता है, जो जर्क लोड है, जैसे आपका समरसेबल होता है। इस तरीका के कुछ आइटम्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग में लोड थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके बाद में फिर नॉर्मली आ जाते हैं। तो जैसे आपका घरेलू समरसेबल है 1 HP तक का, उसे आप इससे चला सकते हैं। अपना फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, डी फ्रिज हो गया, जो आजकल डी फ्रिज आ रहे हैं इन्वर्टर के, वो आप अब एक शॉपकीपर हैं तो आप उसको भी इससे चला सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसको मैं बिल्कुल पास से अब आपको दिखाऊंगा, इसकी कॉस्ट क्या है ये भी बताऊंगा। तो मैं बिल्कुल पास से आपको दिखाता हूं, ये जो लीड है इसके अंदर, ये 2 बैटरी चूंकि 24 वोल्ट है तो आप लेड एसिड बैटरी के साथ भी इसे चला सकते हैं, 150 एम्पियर 200 एम्पियर जैसा आपका बजट है उस हिसाब से लगा सकते हैं। और अगर लिथियम के साथ जाएंगे तो लिथियम के साथ भी इसे कम्फर्ट आप कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं इसे कैमरा पास करके आपको दिखाऊंगा ये फ्रंट क्या है, पीछे से क्या है, और ये टेक्नोलॉजी जो है ये PWM टेक्नोलॉजी है, तो इसको मैं पीछे से आपको करके दिखाता हूँ। इसके हम आगे आ गए हैं, फ्रंट पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ से ये इसमें UPS यहाँ से ऑन ऑफ है, और ये UPS का बटन है, चार्जिंग है, बैटरी लो का इंडिकेशन, मेंस जब बिजली से चार्ज होगा और अगर ओवरलोड है तो इंडिकेशन। यहाँ से आप इसे सेटिंग से कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लिथियम बैटरी पे लगाना है तो लिथियम के हिसाब से, लेड एसिड पे लगाना है तो लेड एसिड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें मोड है, उस पर कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको प्राथमिकता ग्रिड को देनी है या आपको प्राथमिकता सोलर को देनी है। टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो ये PWM टेक्नोलॉजी में है, PWM टेक्नोलॉजी पल्स विद मॉडुलेशंस, चूँकि हम कम बजट की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी PWM में है। और अब इसके पीछे आते हैं दोस्तों, हम पीछे से आप देख रहे हैं ये इसका स्पेसिफिकेशन स्टिकर है, तो 24 वोल्ट में है चूँकि 2 बैटरी के साथ है। इसकी VOC की हम बात कर रहे हैं तो 32 से 60 है, उसका आउटपुट करंट की बात कर रहे हैं तो 8.6 है। और ये मॉडल जो नेम है दोस्तों 3375 है, इसमें ये 2 लीड दी गई हैं, तो इन 2 लीडों से आप इसे कनेक्ट कर लेंगे, प्लस है माइनस है, और बीच में जो एक लीड दी गई है इस लीड से आप इसे बैटरी को 24 वोल्ट बना लेंगे लेड एसिड को। अगर लिथियम लगाना है तो ये दोनों लीडें काम करेंगी सिर्फ, और लिथियम की 24 वोल्ट की बैटरी बना सकते हैं, आगे से कस्टमाइज कर लेंगे। इसमें पहले बैटरी से सिस्टम को चलाना है, उसके बाद में
ये सोलर के लिए दिया गया है दोस्तों सॉकेट SPV प्लस SPV माइनस। तो SPV प्लस में सोलर का प्लस लगा देंगे और 24 वोल्ट का हमें पैनल लगाना है इस पर। तो इस पर पैनल अगर हम बात करें कितना लगा सकते हैं तो 1600 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं इस पर। लेकिन हमें चारों पैनल पैरेलल जोड़ने हैं, हम सीरीज नहीं बना सकते चूँकि ये टेक्नोलॉजी PWM है दोस्तों। तो इस पर यहाँ सोलर प्लस लगा देंगे और यहाँ सोलर माइनस। पहले बैटरी सिस्टम को चालू करना है फिर सोलर लगाना है। थोड़ा सा आप कन्फ्यूज जो होंगे इसमें, यहाँ इस सर्किट पे हो सकते हैं क्योंकि इसमें तीन पॉइंट दिए गए हैं, इसी में आउटपुट है, इसी में मेंस देना है, इसमें इसी से आउटपुट लेना है। तो इसका जो न्यूट्रल जो है वो कॉमन कर दिया गया है कि आपने ग्रिड का न्यूट्रल आया, प्लस दिया इसमें और माइनस दिया इसमें, चालू हो गया सिस्टम को, मेन मिल गई, सिस्टम ने चार्जिंग शुरू कर दी। अगर सिंगल तार की आपकी फिटिंग है तो आपने आउटपुट इसमें दे दिया, पर बहुत सारी लोकेशंस ऐसी होती हैं सिंगल तार की फिटिंग नहीं है आपकी, डबल तार की फिटिंग है या दो तार आपको यहीं से लेके जाने हैं, तो जो न्यूट्रल देना है आपको काला वाला जो बीच में है इसमें न्यूट्रल देना है दोस्तों। यहाँ से आउटपुट दे देंगे, MC भी दी गई है, अर्थिंग के लिए भी दिया गया, आप चाहें तो अर्थिंग भी कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के हिसाब से, कूलिंग है। अब दोस्तों इसकी बात करेंगे हम कॉस्ट की, तो अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करते हैं दोस्तों तो इसकी कॉस्ट है 19,500 रुपये। 19,500 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं और इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से दो बैटरी, चाहे तो लेड एसिड लगा सकते हैं, चाहे तो लिथियम लगा सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी बैटरी है, पहले से आपके पास बैटरी है और दो बैटरी हैं और आप चाह रहे हैं भाई इस बार मुझे अपना बैटरी जो सिस्टम है ऐसा करना है कि मेरा समर सेविल भी चल जाए, तो उसके लिए आप इसे इन्वर्टर को ले सकते हैं, सोलर इन्वर्टर को ले सकते हैं आप मात्र, और इसे सीधा बिजली से भी चार्ज कर सकते हैं जैसे नॉर्मल इन्वर्टर की तरह। अभी आपका पैनल का बजट नहीं है तो इन्वर्टर ले लेंगे आप, और अपनी दो बैटरी आपके पास ऑलरेडी पहले से हैं उन पर लगा लेंगे, या दो बैटरी और इन्वर्टर ले लेंगे। अभी आप ग्रिड से इसको चालू कर लेंगे, उसके बाद में आप अपने बजट के हिसाब से इस पर सोलर पैनल भी लगा सकते हैं दोस्तों बाद में। तो ये दोस्तों आपका कम बजट को देखते हुए, आपका कम बजट है और आप सोलर की तरफ आना चाह रहे हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो कम बजट में कॉपर ट्रांसफार्मर के साथ एक अच्छी टेक्नोलॉजी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो फिर आप, आपके लिए ये एक विकल्प, अच्छा विकल्प हो सकता है कि आप, आपका सारा काम भी अच्छा हो जाएगा और कम बजट में आपका काम हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर ये PCU आप परचेज करना चाह रहे हैं तो कंपनी की वेबसाइट है नेक्सस सोलर एनर्जी की, www.nexussolarenergy.in, वहाँ जाके आप इसे सीधा परचेज कर सकते हैं या लोकेटर के माध्यम से अपना नज़दीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर देख सकते हैं, वहाँ जो भी आपका नज़दीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उससे आप इसे ले सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो की डिस्प्ले पे भी नंबर दिए हैं, आप इन पे भी बात करके जानकारी ले सकते हैं कि हमें कहाँ मिलेगा या हमारा नज़दीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मेरी वीडियो में आप अंत तक रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।